24 निर्वाचन पर बीजेपी संकल्प पत्र दिल्ली मुख्यालय प्रधानमंत्री समेत वरिष्ठ नेतृवृंद कले लोकार्पण गरीब महिला चाषी युववर्ग को आधार कर संकल्प पत्र संकल्प पत्र लोकार्पण कले प्रधानमंत्री संबोधन बीजेपी सरकार गत 10 वर्ष 25,000 कोटी लोक गरीबी बाहर करजेपी गरीब कल्याण को नहीं अनेक योजना कर आगामी 5 वर्ष पर मागणा अन्न योजना जारी रहिबो। आयुष्मान योजन आगामी 5 वर्ष पर मागणा स्वास्थ्य सेवा मिलिबो। जन औषधि केन्द्र रे सस्तारे मिलिबो औषध। 70 वर्ष रु अधिक वयस्कों को मिलिबो 5 लाख टंकार मागणा स्वास्थ्य सुविधा। पाइप माध्यम रे घर को जुगाई दियाजिबो रोसे गैस। मुद्रा योजन 20 लाख जाए ऋण सुविधा उपलब्ध हेबो। मोदी कहिसेंती आमर लक्ष्य निवेश रु चाकरी। संकल्प पत्र युव आकांक्षा को प्रतिबिंब किन्नर माने आयुष्मान भारत योजन जोड़ी हे गरीब को 4 कोटी घर देछु आग को 3 कोटी घर प्रदान करा जिवो। मां भोनी माने टेक्नोलॉजी को सिखुछंती आ द्वारा सेमानक सम्मान बढ़ुची। महिला क्रीडाबिद को पई स्वतंत्र योजना आसिबो। सर्भाइकल कैंसर टीकाकरण को प्राधान्य दिया जाइछि आग को 3 कोटी लक्ष्यपति दीदी तैयारी करिबु। आदिवासी सम्मानार्थे जनजाति गौरव दिवस पालित होइछि। 700 रु अधिक एकलव्य स्कूल तैयारी योजना होइछि। पूर्व सरकार जहाँ चैलेंज थिला आम पई एक अवसर बोली कहिछंती मोदी। दिल्ली मुख्यालय अनुष्ठित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री समेत केन्द्र गृहमंत्री अमित शाह प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण प्रमुख उपस्थित थे। साथियों, पूरे देश को भाजपा के संकल्प पत्र का बहुत इंतजार रहता है और इसका एक बड़ा कारण है। 10 वर्षों में भाजपा ने अपने संकल्प पत्र के हर बिंदु को गारंटी के रूप में जमीन पर उतारा है। भाजपा ने मैनिफेस्टो की शुचिता को फिर स्थापित किया है। ये संकल्प पत्र विकसित भारत के 4 मजबूत स्तंभ युवा शक्ति, नारी शक्ति, गरीब, किसान, इन सभी को सशक्त करता है। हमारा फोकस डिग्निटी ऑफ लाइफ उस पर है। हमारा फोकस क्वालिटी ऑफ लाइफ उस पर है। हमारा फोकस निवेश से नौकरी, निवेश से नौकरी पर भी है। इस संकल्प पत्र में क्वांटिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज और क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज दोनों पर बहुत जोर दिया गया है। एक तरफ हमने कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण से बड़ी संख्या में रोजगार बनाने की बात की है, दूसरी तरफ हम स्टार्टअप और ग्लोबल सेंटर्स को बढ़ावा देकर हाई वैल्यू सर्विसेज पर भी ध्यान देने जा रहे हैं। भाजपा के संकल्प पत्र में युवा भारत की युवा आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। साथियों, भाजपा सरकार ने पिछले 10 वर्ष में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालकर हमने सिद्ध किया है कि हम परिणाम लाने के लिए काम करते हैं। हम लोगों को इस बात का गौरव है कि भाजपा अपने संकल्प पत्र के प्रत्येक वादे को पूरा करती है। जो हम कहते हैं वो हम करते हैं। हमारे वर्ड्स, हमारे डीड्स,
हमारे कृति और हमारे कथन में कभी कोई अंतर नहीं रहा है। यह बात आज केवल भाजपा के लोग ही नहीं बल्कि देश के नागरिक भी मानने लगे हैं। यही विश्वसनीयता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हमने जम्मू और कश्मीर से धारा 370 समाप्त करने की बात कही थी, आज धारा 370 समाप्त हो चुकी है। हमने महिलाओं के लिए विधायी संस्थाओं में 33% आरक्षण की बात की थी। प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से नए संसद भवन का उद्घाटन होते ही पहला कानून नारी शक्ति बंधन अधिनियम के रूप में देश के सामने आया। साथियों, हमारे संकल्प पत्र में अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने की बात भी कही गई थी। आज अयोध्या में रामलला की नव विग्रह में प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। हमने अपने संकल्प पत्र में आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में कदम आगे बढ़ाने की बात की थी, आज उस दिशा में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। साथियों, हमने इंक्लूसिव ग्रोथ समावेशी विकास की बात की थी और गरीब कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी व्यक्त की थी। प्रधानमंत्री मोदी जी की गरीब कल्याण के प्रति संवेदनशीलता का इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है कि देश के 80 करोड़ से अधिक जरूरतमंद व्यक्तियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 2020 से लगातार मुफ्त राशन दिया जा रहा है और मोदी जी ने इस योजना को 2029 तक चलाने का संकल्प भी व्यक्त किया है। हर बार जब चुनाव आता है तो उसी वैचारिक यात्रा को आगे बढ़ाने का क्रम हम सब लोगों ने किया है और उसको आगे बढ़ाया है। जिस बात को 1952 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने कही, जिसे आगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने आगे बढ़ाया, उस विचारधारा से हम कभी डिगे नहीं, हम उसको समर्पित रहे और उसको आगे बढ़ाने में हम सब लोगों ने भरसक प्रयास किया है। और हम कह सकते हैं कि मैनिफेस्टो या संकल्प पत्र यह उस विचारधारा, उस वैचारिक अधिष्ठान का अनफोल्डमेंट है। उसी को आगे किस तरीके से बढ़ाया जाए, उस यात्रा को आगे बढ़ाने का काम हम सब लोगों ने किया है। हम सब जानते हैं, एक समय में हमने एकात्म मानववाद की बात कही, उसी को आगे हम लोगों ने, जब हम सरकार में आए तो अंत्योदय के रूप में हम लोगों ने उसको स्थापित किया और प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसको सरल भाषा में सबको समावेश करते हुए और सबकी भाषा में उसको सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास से जोड़ते हुए नीतियों को आगे बढ़ाने का काम किया। मुझे याद है कि 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी संसदीय दल के नेता सेंट्रल हॉल में चुने गए थे तो उस समय उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था कि हमारी सरकार गरीब को समर्पित है, हमारी सरकार गांव के विकास को समर्पित है, हमारी सरकार जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति है उसको समर्पित है। और उसी को कार्य रूप देते हुए 2014 से एक लंबी यात्रा करते हुए पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश ने इन सारे आयामों को बखूबी, जनता को, गांव, गरीब की चिंता करते हुए उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।